इनकी लैब में अगर अगर पलेट पे कोई नया सा कोई ऑर्गेनिज्म जन्म लाया है, फिर ये दो दिन इन्होंने लैब ऐसी रखी थी, मेली कुचेली लैब, फिर तीसरे दिन, ये वहां का इसमें इस बुक में भी है, सुपाइस इन साइंस, न्यूटन के भी बहुत सारे बातें हैं इसमें, अचानक जो चीजें आपसे ले आपके सामने आती है उनको हमेशा लीजिए, क्योंकि अचानक वाली चीजों में बहुत सारी जिंदगी के राज छुपे होते हैं। ये मैं बातें इसलिए नहीं करता हूं आपको आपका दिल लुभाने के लिए, बल्कि मैं एक मरकजी नुक्ता एक खींचना चाहता हूं तमाम पर्सनैलिटी जितने यहां पर है। एवरीबडी इज ए पर्सनैलिटी बॉर्न विद इनेट कैपेसिटीज। कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ने सोशल साइंस को पकड़ा है, साइंस अब दूर की बात हो गई, क्योंकि मैंने पहले कहा आईक्यू अब खत्म होने जा रहा है, अब ईक्यू आ रहा है, इमोशनल इंटेलिजेंस का दौर आ रहा है, क्योंकि अब आपको रियलिटी से वर्चुअल रियलिटी पे लाया जाएगा और वर्चुअल रियलिटी से आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक डोज दिया जाएगा। एक मजे की बात, अगर आप चांद पे जाना चाहते हैं, आप चांद पे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेटावर्स तैयार हो चुका है। अभी आपने फेसबुक में जाइए, अपने व्हाट्सएप पे जाइए, आप देखेंगे इल्म के लिहाज से, दानाई के लिहाज से, खिदमत के लिहाज से, चीजों को समझने समझाने के लिहाज से, तमाम चीजों में मुमताज फलानी मास्टर जी। कोई भी मसला हो मास्टर जी के पास जाइए, वो इसका जरूर जरूर कुछ ना कुछ आपको हल होता है। और मुझे अभी भी याद है, कभी कुमार आपको अपने हाई रैंक उसके साथ बात करनी पड़ी, कभी कुमार जो आपने लाइनें लिखी उन्होंने बड़े, इसलिए हमारे जो मैंने कई सारे एचआरएस को देखे, प्रॉब्लम उसको समझते हैं, मीटिंग करते हैं, फिर घर जाते हैं, सुबह जाकर अपना डिसीजन लेते हैं। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रेटजी। आपको मौका मिलता है, आप घर जाते हैं, आप एक नए माहौल में जाते हैं और फिर आप इस प्रॉब्लम के साथ डिस्कस करते हैं, देन यू हैव एवरी पॉसिबल वे एट योर बेस।